मंदसौर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला रतलाम द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर तहसील पिपलोदा के आचार्य व दीदियों द्वारा नगर में मौन रैली कर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध रैली नगर के गणेश मंदिर से आरंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नाका नंबर एक पर पहुंची, जहां शिशु मंदिर के आचार्य दीदियों द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार भीम सिंह खराड़ी को दिया गया। ज्ञापन में दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा कानून के मुताबिक दिए जाने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला उपाध्यक्ष प्रकाश जायसवाल ने किया। जिला प्रमुख शिवलाल पाटीदार ने आरोपियों को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग की है। संचालन संकुल प्राचार्य सोमेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश मोगरा, पार्षद प्रफुल्ल जैन, कालूखेड़ा संकुल प्राचार्य भंवर सिंह चंद्रावत, ओपरवाड़ा संकुल प्राचार्य राजेंद्र सिंह देवड़ा, अम्बाला राव, रोगेंद्र देरासरी आदि मौजूद थे। गंभीर विषय है आज का और बहुत ही दयनीय स्थिति है हम सब बहनों की, और वो इस भारत की बेटी है और उसको हम सब मिलकर चाहते हैं कि उसको फांसी होना चाहिए और आज के आज ही होना चाहिए। हम सब की है कि हम सब उसको फांसी दिलाए। बोलो अपराधी। दनिश टुडे के लिए पिपलोदा से प्रफुल्ल जैन की रिपोर्ट।